हमारे यूपी के चंदौली जिले से जहां आज चकिया पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी। चकिया पुलिस ने एक सातिर पशु तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके ऊपर 15,000 का इनाम घोषित था। वही अभियुक्त का एक साथी मौके से भागने से सफल रहा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रही है। दरअसल SP हेमंत कुटियाल के निर्देश पर जनपद से लगातार अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों के धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। इस क्रम में चकिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सैदपुर मार्केट में सातिर व इनामी पशु तस्कर बाहर निवासी राजीव सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि अभियुक्त राजीव सुमन पर चंदौली के कई मुकदमे दर्ज हैं और पिछले बार अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने अभियुक्त के पास एक तमंचा समेत अवैध असलाह भी बरामद किया। मामला का खुलासा करते पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। बाइट अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली से रवि शंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। 18 जून को नौगढ़ में मुकदमा लिखा गया था 33/2020 गोबर निवारण अधिनियम पशु क्रूरता अधिनियम उसी से संबंधित ये मुंजिम राशिद सुमानी पुत्र फकीरा सुमानी निवासी चैनपुर थाना चैनपुर जिला कैमूर बिहार का रहने वाला है। इसे हमारे इंस्पेक्टर चकिया साहब की टीम ने गिरफ्तार किया जिससे एक अदद तमंचा 30-15 बोर एक अदद जिंदा कारतूस 15 बोर बरामद किया गया जिसका मुकदमा पुणे आर्म्स एक्ट का 121/2020 धारा 3/25 अंकित किया गया। क्या इसके ऊपर पहले से फरार चल रहा था, कोई इनाम भी घोषित? 15,000 रुपया इनाम घोषित।